अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज के तत्वावधान में शनिवार को वृक्ष तीर्थ महर्जा में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बंधे। शादी के सदस्यों में खासा उत्साह देखा गया। राजपूत समाज के गणमान्य लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समाज अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया, समाज में पहली बार विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिससे समाजजनों का अच्छा सहयोग मिला। कोविड के चलते कम जोड़े शामिल किए गए। इस आयोजन में खर्चीली शादियों पर रोक के साथ ही समाजजनों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। समाज का खरगोन नगर में यह पहला सामूहिक विवाह ऐसा आयोजन है। समाज में खर्चीली शादियाँ होती है, काफी पैसा खर्च होता है, बर्बादी होती है, पैसा बचे समाज के काम में आए, ऐसी भावना लेकर यह सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। इस पूरे आयोजन में आज 13 जोड़े हैं। कोरोना के कारण हम अधिक जोड़े नहीं कर पाए, छोटा कार्यक्रम ऐसा हमने आयोजन किया था। 13 जोड़ों का हमारा आज का कार्यक्रम है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे यही सोच है कि समाज में सामूहिक विवाह जब होते हैं तो पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होता है, संगठित होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, और खर्चीली शादियां बंद हो, खर्चीली शादियां ना हो, जो पैसा बचे उसका समाज हित में उपयोग हो, परिवार अपने काम में ले, और युवाओं पास जो पैसा बचता है उसका रोजगार के लिए प्रयोग करें, अपने अपने रोजगार प्रारंभ करें, ऐसा हम लोगों का विचार है। क्या नाम है आपको? जिले के जोड़े शामिल हुए हैं, बाहर के भी हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बड़वानी जिले का भी जोड़ा है, एक इंदौर का भी जोड़ा है, एक खंडवा का भी है, और बाकी खरगोन जिले के ही जोड़े हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि खर्चीली शादियाँ बंद हो, सामूहिक विवाह का आयोजन हो, समाज सामूहिक रूप से ऐसे कार्यक्रम करें ताकि समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो। क्या नाम लिखते हैं? आयोजन समिति का अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।